Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खातून कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप मिस नफीसा? प्लीज मेरे सामने आइए। आप मुझे सुन सकती हैं? दे रहा था आपको। थक गए हो? बैठ जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं थका, ठीक हूँ मैम। वो भी यही कहता था। मैं समझा नहीं, वो कौन? एक तो तुम लोगों का ये बहुत बड़ा मसला है, फौरन टो लेने लगते। कहा ना बैठ जाओ। मैं माजरा चाहता हूँ, आपको मेरी बात नागवार गुजरी। बात को छोड़ो और ये बताओ, मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? क्यों मिलना चाहता हूँ? वो मैंने आपका काफ़ी जिक्र सुना है, तो आपसे मिलने का इश्तियाक हुआ इसलिए। जिक्र सुना है? किससे और क्या? हमेशा से लोग मेरे बारे में उलट सुलट बातें करते हैं, थक गए हैं मैं लोगों की बातें सुन सुन के। उठो जाओ यहाँ से। मगर मिस नफीसा, मैं तो मैंने कहा जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से, जाओ। प्लीज मिस नफीसा, आप बात तो सुने मेरी। मगर ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारे अब्बू को पता चला तो वो कितना खफा होंगे। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा अगर आप ना बताएं तो। मगर तुम उस औरत से क्यों मिल रहे हो? कमाल करती हो। जिस औरत की वजह से मैं अपनी बाप की मोहब्बत को तरसता रहा, और आप जहन्नुम की आग भी जलती रही पिछले 20 साल से, मैं उससे मिलूं भी नहीं। मुझे उससे मिलने का और ये पूछने का पूरा पूरा हक हासिल है कि उसने हम सबकी, आपकी, मेरी और मेरे बाप की जिंदगियों से खेलने का क्या हक था? बात करके रख दिया उसने हम सबको। मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। अब डरने का वक्त खत्म होने वाला है। गाए तेरा ही तराना,
आज आप बहुत मूड में लग रही हैं। मैं गलत नहीं तो आज आप बहुत खुश भी हैं और शायद मेरा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी जनरेशन का यही प्रॉब्लम है, ओवर कॉन्फिडेंट जनरेशन। मैंने अपने और अपनी जनरेशन के दिफा में कुछ कहा इसलिए नहीं क्योंकि आपको बुरा लगेगा और ये गलती मैं करना नहीं चाहता। तो तुम अपनी उम्र से ज्यादा समझदार और स्मार्ट या फिर बनने की कोशिश कर रहे हो? अच्छा लगा। क्या लोगे? कुछ भी ऐसी विश। मैं तो शहर भी दे दिया करती हूँ। इतनी इतनी जल्दी नहीं। चलो चाय पीते हैं। मैं बना के आती हूँ। आप खुद बनाएंगी? हाँ, मैं सारे शाम मुलाजमों को छुट्टी दे दिया करती हूँ इसलिए मैं खुद बना के आती हूँ। ओ, मुझे मालूम नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता सब पता चल जाएगा। चाय बनाने में इतना टाइम लगता है? मिस नफीसा, कहाँ हैं आप? क्या आप मुझे चाय नहीं पिला रही? अच्छा ठीक है, आप चाय नहीं पिलाएं लेकिन प्लीज आप खुद आ जाएं। लौट आई ना मिस? कहाँ चली गई? कहाँ रहेंगी? लगता है अब नहीं आएंगी। बड़ी चलाक और होशियार खातून है। अच्छा मैं चलता हूं। फिर आऊंगा। खुदा हाफिज। लगता है हमारा बेटा वामिक आज भी ये लीजिए ना। कैसा लगा खाना? वैसे अमूमन तो आप हमसे ऐसे सवालात नहीं करते, आज कोई खास बात? नहीं करती तो क्या, इसका मतलब ये है कि मैं नहीं कर सकती? हाँ भाई कर सकती हो, कर सकती हो। हमने कब मना किया? मुझे पता होता आप मेरे ऐसे सवालों से मुस्कुरा सकते हैं तो मैं पहले ही कर लेती। आज आप कुछ अजीब सी बातें नहीं कर रही हैं? इंसान जब ऐसी बातें, मेरा मतलब है ऐसी आम सी बातें करता है तो वो दरअसल कोई खास बात छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब? हाँ, मतलब ये कि आप हमें बताना नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा वामिक कई रातों से हमारे साथ खाने पर मौजूद क्यों नहीं है। इतनी सी बात आपको गहरा राज मालूम होती है? क्या ये वाकई इतनी सी बात है?
शायद समझती है मुझे डरा दोगे। बैठ जाओ। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, कम से कम बच्चों से तो बिल्कुल ही नहीं। मुझे बच्चा कहकर मेरी तौहीन मत कीजिए प्लीज। मेरा मकसद आपको डराना नहीं था। बाहर का दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गया। मुझे मालूम। आप इतनी रात में बाहर का दरवाजा क्यों खुला छोड़ देती हैं? पहली बात तो ये कि दरवाजा वो लोग बंद करते हैं जिन्हें किसी से डर लगता है, और मुझे किसी से डर नहीं लगता। और दूसरी बात? दूसरी बात ये कि मुझे मालूम है कि तुम्हें आना होगा, इसलिए। इसका मतलब है कि आप मेरा इंतजार करती हैं? शायद हाँ या शायद नहीं। आप इतनी उलझी हुई बातें क्यों करती हैं हमेशा? क्योंकि मैं खुद बहुत उलझी हुई हूँ, और उलझे हुए लोग उलझी हुई बातें करते हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मुझे चाय की तलब नहीं है। घबराओ मत, आज मैं गायब नहीं होंगी। उस दिन दरअसल मुझे बहुत नींद आ रही थी, इस वजह से मैं जाके सो गई। तुम बैठो, मैं चाय ला दूँ। सुनील, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? से आ रहे हो साहबजादे? वो दोस्त के घर से आ रहा था। इंसान जब सच नहीं बोलता तो उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? ये तो हम नहीं जानते, मगर हम भी तुम्हारी उम्र से गुजरे हैं, और इस उम्र में अक्सर बच्चे अपने वालदेन से सच नहीं बोलते। देखो बेटा, तुम हमारी अकलौती औलाद हो, हमें कभी किसी मुश्किल में ना डाल देना। ठीक बता। हमें उम्मीद है हमारा बेटा आइंदा हमें अपनी मसरूफियात से आगाह रखेगा। जी। आज भी बेहद पुरकशिश है। आपसे किसी को भी मोहब्बत हो सकती है। किसी को भी?
बाबा, आई लव यू, आई लव यू। अभी इस जुमले को बोलने के लिए तुम्हारी उम्र बहुत कम है। बच्चे हो, छोटे से बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे। मगर आपने खुद ही तो कहा था कि क्या कहा था, बोलो ना, क्या कहा था? यही कि मैं भी आपसे मोहब्बत कर सकता हूँ। हाँ कर तो सकते हो, मगर मगर क्या? तुम बहुत छोटे हो, तुम मुझसे डर नहीं लगता? सुबह तक तो तुम बहुत खुश थे, फिर ये सब? परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक कर लोगे? मैं तुम्हें रोज जलते बुझते नहीं देख सकती। छोड़ दो ये सब, और वैसे भी मिलना भी क्या है, जहां इतनी गुजर गई बाकी भी गुजर जाएगी। आप अपना हाथ छोड़ सकती हैं, मैं नहीं। ये सब क्या हो रहा है? दो दिन से तुम खुशी से पागल हुए फिर रहे थे, झूमना, नाचना, गाना, और आज आज ऐसा लगता है तुम्हें कोई आसेब या कोई भूत देख लिया हो। आखिर ये सब क्या है, तुम मुझे बताते क्यों नहीं? ज़ुबैदा बेगम, तो इस औरत पे पीछे छोड़ दे मेरे बच्चे, वो तुझे भी निगल जाएगी। अभी आप खामा खाम परेशान हो रही हो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं तेरे बाप की मोहब्बत को तो झेल गई, अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं नहीं जी सकूंगी। कह तो रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नफीसा खातून मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं समझदार हो गया अम्मी, फिक्र नहीं करना, बहुत सोचती हूँ। तुम्हें मालूम था ज़ुबैदा बेगम कि साहबजादे रात में कहाँ जाया करते हैं, आपने फिर भी हमसे छुपाया। वो मैं
खाली घर में क्या तलाश करते फिर रहे हैं साहबजादे? कुछ समझा नहीं। ये ठीक है कि कभी नफीसा उस घर में रहा करती थी, मगर अब तो मुद्दतों से वो मकान खाली है। वो अब भी वहीं रहती है? वहीं रहती है? ये तुम क्या कह रहे हो? जी वो अब भी वहीं रहती है और मैं हर रोज उन्हीं से मिलने जाया करता हूँ। नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज से 20 साल पहले नफीसा खातून की मौत हो चुकी है। नहीं नहीं, आपको किसी ने गलत बताया? नफीसा खातून अब भी जिंदा है और उसी मकान में रहती है। मैं हर रोज उन्हीं से मिलने जाया करता था। हमने खुद उसके जनाजे में शिरकत की थी, हम गलत कैसे हो सकते हैं? मैं कैसे मान लूं, जबकि मैं एक जीती जागती नफीसा खातून से ढेरों बातें कर चुका हूँ। ये आप दोनों क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम ठीक कह रहे हैं जुबैदा, 20 साल पहले नफीसा खातून की मौत हो चुकी है। गलत मैं भी नहीं कह रहा, वो जिंदा है, उसी घर में रहती है। दिल में है इतनी लंबी चुप अच्छी नहीं होती। वो अब्बू कहते हैं कि आप जिंदा नहीं है, मर चुके हो, यही ना? और तुम्हें क्या लगता? मुझे तो अब्बू ठीक नहीं कहते, क्योंकि मैं तुम सही समझते हो और यही सच है। हर इंसान का सच अपना होता है। तो क्या आप मुझसे मोहब्बत करती हैं? यही ना? सब आप बाकी बहुत अच्छी हैं, आप बहुत ही अच्छी हैं। और तुम बच्चे हो, नन्हे मुन्ने बच्चे। और आप भी ना हर बार खुद को बहुत ही बड़ा समझने लगती हैं। अच्छी बात नहीं है। तुम भी तो यही समझते हो ना, हालांकि तुम पूरी तरह गलत हो और गलत चीजें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आखिर तुम समझते क्यों नहीं
नफीसा मर चुकी है और वो मकान वीरान पड़ा है, अब वहाँ कोई नहीं रहता। मुझे नफीसा से मिलने से रोकने के लिए आप ऐसा झूठ मत बोलें कि मुझे आपकी जान में रखकर छुपा। तुम हद से बढ़ रहे हो लड़के। सारी जिंदगी उस औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार रहे, मुझे और मेरी माँ को अपनी मोहब्बत के लिए तरसाते रहे, तब तो आपके किसी आपके ख्याल नहीं आया। हाँ, क्या आपकी भी कोई हमकर नहीं? तुम ठीक कह रहे हो मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो, मगर वहां जाने से बाद आ जाओ। ये मैं उस मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि मैं तो बस बस मुझे आपसे खुश कर, मत थकाइए खुद को प्लीज। सच कह रहे हो बेटा, अब तुम कभी वहां नहीं जाओगे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं ईसा से मिलने नहीं जाऊंगा। मगर बेटा, तुम अब क्यों और किस लिए वहां जाना चाहते हो? भूल जाओ उसे। मुश्किल है। क्या मुश्किल है? नफीसा को भूल। एक मरी हुई औरत जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं। क्या कहते हैं आप? नफीसा मरी नहीं, जिंदा है। और मैं मोहब्बत करता हूँ उससे। जुबेदा, जुबेदा, नफीसा, 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 चिल्ला रहे हो? दीवाने हो गए? हाँ हाँ, मैं दीवाना हो गया हूँ, और मुझे दीवाना बनाया है आपने। आज आपको फैसला करना ही होगा। कैसा फैसला? यही कि आपको मुझसे मोहब्बत है या नहीं। और जो मैं ना करूँ तो? ये नहीं हो सकता। इतना भरोसा है अपने पर? जितना आप जानती हैं से कहीं ज्यादा। और जो मैं फिर भी ना कर दूं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो फिर दे दो ना जान मुन्नी। आपने फिर मुझे मुन्ना कहा? आखिर अब चाहते क्या है? तुम्हारी मोहब्बत या फिर तुम्हारी मौत या फिर दोनों? मुझे तो लगता है जिस तरह मेरे अब्बू की जिंदगी बर्बाद की, अब आप मेरी जिंदगी से खेलना चाहती हैं। बकुमत, तुम्हारे बाप की जिंदगी मैंने बर्बाद नहीं की, बल्कि उस बेवफा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मतलब? बच्चे हो तो? मैं बच्चा नहीं हूं, हजार बार कह चुका हूं। तुम आज बहुत गुस्से में हो, चाय पी लो, एकदम ठंडे हो जाओगे। नहीं पीनी मुझे चाय, मैं ठीक हूं। मैं आज मैं फैसला करके जाऊंगा। चाय पी लो, फैसला भी हो जाएगा। अगर आप सच कहती हैं तो मैं चाय पी लेता हूं, मगर उसके बाद मैं ना नहीं सुनूंगा। इतनी बेकरारी अच्छी नहीं होती।
मोहब्बत भी बड़ी अजीब शे है, कई लोगों की जान ले लेती है। और नफरत? नफरत जान से मार देने का, जान लेने और जान देने में उतना ही फर्क है जितना मोहब्बत और नफरत। मगर आप किसी से नफरत नहीं कर सकती। झूठ कहते हो तुम, करती हूँ मैं नफरत, तुम्हारे बाप से नफरत करती हूँ मैं, सिर्फ नफरत। Ha ha ha!